हेलो फ्रेंड्स, आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर बिगनर कह लो या नॉर्मल पर्सन जो फोटोग्राफी नहीं करते हैं या फिर सेमी प्रोफेशनल और समटाइम प्रोफेशनल लोगों के मन में भी कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं जिनकी वजह से वो फोटोग्राफी में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। अब इन्हें मिस्टेक्स कह लो या मिथ कह लो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रो? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी, आई नो एवरीथिंग। ओके ब्रदर, लेट मी चेक। ऑफ कोर्स ब्रो, आस्क मी एनीथिंग। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर किस मोड में फोटोग्राफी करता है, आप भी बताइए। यू किडिंग मी ब्रो, ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑलवेज यूज मैनुअल मोड यार, ये तो इन लोगों को भी पता होगा, है ना? पता है। गुड ब्रदर, यू नीड टू नो अबाउट फोटोग्राफी एंड यू। अगर आपको भी लगता है मैनुअल मोड ही बेस्ट है तो आपको भी ज़रूरत है फोटोग्राफी सीखने की अभी बहुत ज़्यादा। अब इस बात कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 मिथ्स ऑफ फोटोग्राफी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कौन सा मोड यूज़ करता है। सबको पता है मैनुअल मोड एक प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है बिकॉज एक प्रोफेशनल बंदे को सारी सेटिंग्स और सब चीज़ों की नॉलेज होती है। एक्चुअली ये मिथ है। हाँ, प्रोफेशनल बंदे को पूरी नॉलेज होती है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को मैनुअल मोड पूरी तरह से चलाना आता है, बट अगर आप ये सोचते हैं कि वो हर टाइम मैनुअल मोड में फ़ोटोज़ खींचता है तो ऐसा नहीं होता है। समटाइम उन्हें अपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी को भी देनी पड़ती है। अगर आप एक ऐसी प्लेस पे शूट करें जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है या मल्टीपल प्लेसेस में अलग अलग लाइट की कंडीशंस होती हैं, लाइक वेडिंग्स या फिर कोई इसी तरह का कॉन्सर्ट होता है, जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है अलग अलग लोकेशंस पे, अब वहाँ पे आप जब फ़ोटोज़ खींचते हो, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या कोई भी हो, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर कंडीशन में एक एक सेकंड में पूरी सेटिंग्स चेंज करे, क्योंकि आपको पता होगा कि कितनी जल्दी चेंज करना पड़ता है सेटिंग्स को। तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफर अपनी कंपोजिशन को प्रायोरिटी देता है बिकॉज कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों से। आपकी कंपोजिशन जितनी अच्छी होगी आप उतनी ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो, एक फ़ोटोग्राफी उतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करती है, इसीलिए वो सारा काम अपने कैमरे पे छोड़ देता है। अगर उसे ब्लर चाहिए इमेज में, अपने सब्जेक्ट को अच्छा दिखाना है, बैकग्राउंड से अलग करके दिखाना है, तो वो अपर्चर प्रायोरिटी की तरफ जाता है ताकि वो अपने अपर्चर को कंट्रोल कर सके और सब कैमरा उसका मैनेज कर ले खुद। और कंपोजिशन तो मेन है जो उसे खुद करनी पड़ती है। अगर वहीं पर शटर स्पीड की बात आती है, जहाँ पर उसे स्पीड ज़्यादा अच्छी चाहिए, अपनी स्पीड अपने हिसाब से चाहिए होती है, वहाँ पर कैमरामैन शटर प्रायोरिटी को चुनता है, जहाँ पर शटर स्पीड बस उसके हाथ में होती है और सब कैमरा खुद मैनेज करता है। तो प्लीज़ ये सोच ना रखें कि आपको सब पता है इसकी तरह, हो गया ना अब तेरा एक्सपेंसिव कैमरा। अब लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि एक्सपेंसिव कैमरा लेने से फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ जाएंगी, शार्प इमेज आ जाएंगी। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा होता है बट पूरी तरह से ये बात सही नहीं है। अगर आप बात करें कि आपके लिए कैमरा बेस्ट है या फिर लेंस, तो मोस्टली जो प्रोफेशनल बंदे जो बहुत अच्छे जिन्हें नॉलेज है वो आपको सजेस्ट करेंगे आपको एक लेंस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फोटोग्राफी में। आपका कैमरा आपको एक फ़ोटो क्वालिटी प्रोवाइड करता है बट लेंस आपकी उस फोटो को और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा स्टेबल और भी ब्यूटीफुल तरीके से निकाल के देता है। बिकॉज आप देख सकते हैं, अगर आप किट लेंस से अगर शूट करें और वहीं पर आप 50mm लगाएं तो आपको दिख जाएगा डिफरेंस, और वहीं पर अगर आप 85mm लगा लें तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वहीं पे आप अगर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेंसेज यूज़ करते हैं, इसीलिए आपको लेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए ना कि एक कैमरे की बॉडी चेंज करने में। ज़रूरी है कि कैमरे की बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स हो, समटाइम आपको लेंस चेंज करके अपनी देखना चाहिए। बिकॉज मैंने मोस्टली लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर मेरे पास कैमरा ये वाला कैमरा होता तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता था, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका लेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में, बिकॉज कई लेंस तो आपके कैमरे की बॉडी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। और आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं सोनी की जी मास्टर सीरीज से, बिकॉज जो सोनी की जी मास्टर सीरीज़ है लेंस की, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। मोर मेगापिक्सल इज़ गुड। अब आपने सुना होगा फ़ोन में कि मेगापिक्सल बहुत अच्छे हों, जितने ज़्यादा होंगे फ़ोटोज़ उतनी अच्छी आएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मेगापिक्सल एक वैल्यू करते हैं बट कैमरा सेंसर भी उतनी वैल्यू करता है। अगर आप किसी फ़ोन में फ़ोटो खींच रहे हैं तो समटाइम आपने सुना होगा 108 मेगापिक्सल या 100 या 200 मेगापिक्सल, ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जिसमें ये अवेलेबल है, बट वहीं पे आपके कैमरा जिसमें 20 मेगापिक्सल 15 मेगापिक्सल भी आता है या 32 30 तक बहुत और भी हैं, बट उनमें फ़ोटोज़ और अच्छी क्लियर आती है और ज़्यादा अच्छी आती है, बिकॉज़ वो है सेंसर साइज़ के ऊपर बात।
आपका फ़ोन हो या आपका कैमरा, उसका सेंसर साइज जितना बड़ा होगा आपकी फ़ोटो उतनी क्लियर और उतनी अच्छी आएगी। बट मेगापिक्सल बस आपकी साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं करता। तो प्लीज़ मेगापिक्सल के पीछे ना भागे, कोशिश करें कि आप सेंसर साइज़ को भी देखें। और अगर आप कोई फ़ोन लेते हैं मेगापिक्सल देख के ना ले, उन थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करके उसके सेंसर साइज़ के बारे में भी देख लें। अब बात करते हैं शटर स्पीड के बारे में। अब शटर स्पीड के बारे में क्या ही बताएं, ये अपने में एक अच्छा टॉपिक है। बट हम बात करते हैं शटर स्पीड जो वीडियो में यूज़ की जाती है। अब मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, आप देखते होंगे, तो शटर स्पीड जो आपकी है वो मैंने बताया था आपके फ्रेम रेट पे तय होती है। आपका फ्रेम रेट जितना होगा उस शटर स्पीड 1/2 मल्टीप्लाई में उतनी हो जाएगी। बट ये रूल कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है। देखिए, मैंने आपको बताया होगा पुरानी वीडियोज़ में, या मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी फुटेज नेचुरल चाहिए, बिल्कुल नेचुरल मोशन ब्लर चाहिए, एक स्मूथनेस चाहिए, तो आपको ये चाहिए, आपको शटर स्पीड यही रखनी पड़ती है। इसके लिए उसकी वजह से आपको बहुत एनडी फिल्टर्स चाहिए, मतलब बहुत टांटा बड़ा करना पड़ता है। बट आप जब अपनी शटर स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हो, सपोज़ कीजिए मैं 500 ले जा रहा हूँ, 500 तो बहुत ज़्यादा हो गई, 200-250 ले जा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अपनी वीडियोस में इम्पैक्ट डालने के लिए। अगर आपको अपनी वीडियो शार्प दिखानी है, मोशन ब्लर कम दिखाना है, इसमें एक शार्प इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये वीडियोस लाइक आपको गन शॉट्स वाले या फाइटिंग सीन्स दिखाने होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा कुछ शार्प शो करने होते हैं जो नेचुरली अच्छे नहीं लगते हैं, जो फाइटिंग मूवमेंट्स होते हैं आपके, या शॉट में आपको एक ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना होता है, बिल्कुल फील्स क्रिएट करना होता है, यहाँ पे आप शटर स्पीड को बढ़ाकर इमेज को शार्प शो कर सकते हैं, वीडियो को शार्प शो कर सकते हैं इमेज में। यहीं पे आप शटर स्पीड को कम करके अपनी वीडियोस में थोड़ा सा एक होता नशे वाला इफेक्ट आता है, समटाइम आप बेहोश होने वाले, ऐसा कुछ इफेक्ट आपने देखा होगा, ब्लरी सा बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इस टाइप में जो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आप शटर स्पीड को लो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अपर लेवल आ जाती हैं जब आप फिल्म मेकिंग में चले जाते हो, आपको फिल्म मेकिंग की नॉलेज जब आप लोगे तब आपको ये पता चलती है। बात करें फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की, एक्सेसरीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब स्टार्टिंग में लोगों को एक्सेसरीज़ की वैल्यू नहीं पता होती, उन्हें लगता है बस आपने कैमरा खरीद लिया, और जब आप थोड़े से और ज़्यादा समझदार होते आपको लेंस की नॉलेज हो जाती है, तो आपको लगता है लेंस, मैंने एक अच्छा लेंस खरीद लिया, मैंने एक कैमरा खरीद लिया, अब मुझे क्या ही चाहिए। बट जब आप धीरे धीरे सीखते हो, एक अलग लेवल पे जाते हैं, तब आपको पता चलता है एक्सेसरीज़ की वैल्यू क्या होती है। बिकॉज फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो भी आप करो, एक्सेसरीज उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। अब लोगों को नहीं पता होता एक्सेसरीज़ की वैल्यूज़ क्या होती है जब वो बिगनिंग लेवल पे होते हैं, या फिर उसने स्टार्टिंग में नया कैमरा खरीदा होता है। विदाउट एक्सेसरीज आपकी फ़ोटो और वीडियो की क्वालिटी सब बेकार हो जाएगी। अब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल एक्सेसरीज़ के बिना कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बट एक्सेसरीज आपको कहीं ना कहीं एक एक्सेस प्रोवाइड करती है आपका लेवल अप करने का। बिकॉज अगर लो लाइट में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो तो आपको फ्लैश चाहिए होगी, बिकॉज फ्लैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में। और वहीं पे अगर आप एक वीडियो शूट कर रहे हो इंडोर, आपको लाइटनिंग चाहिए होगी, एक्सटर्नल लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस टाइप का क्रिएट करने के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें एक्सेसरीज यूज़ होती है, फिल्टर्स होते हैं, मिस्ट फिल्टर होता है, हैंडी फिल्टर्स होते हैं, ट्राईपॉड, मोनोपॉड, केज, माइक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोग्राफी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये इसका पार्ट वन है, मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊंगा जो मंथ में, हर मंथ कोर्स करूंगा एक वीडियो इसके ऊपर ले आऊँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को आइडिया नहीं। और रियलिटी बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, उन सब डाउट को हम क्लियर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो प्लीज़ अगर आपको और नॉलेज चाहिए के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय श्री राम।